हेलो एवरीवन, आज हम लोग बनाएंगे मीट चटनी। तो यहाँ पर मैंने लिया है मीट और इसको ना थोड़ा सा गर्म पानी में बॉईल करके, पूरा पकने के लिए नहीं छोड़ा, बॉईल करके उसके बाद कोई भी अपना चॉइस से मीट ले सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर दिखाती हूँ मैं प्रोसेस। अभी इसको ना अपना मर्ज़ी से काट सकते हो जितना भी साइज़, तो मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा साइज में रखा हुआ है इसे। यहाँ पर हम ऐड करेंगे ऑयल, हमारा ऑयल हीट अप हो गया है, तो इसमें मैं ऐड करूँगी ये जो मीट काटा था ना। यहाँ पर हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। इसको ना तब तक फ्राई करना जब तक यहाँ से पानी ये सब खुद के ऑयल से ना बच जाना। पानी सब फटने के बाद जब ऑयल बच जाता है ना फिर तब हम यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसको ना आपको बीच बीच में सॉटे करते रहना। ज़्यादा भी नहीं, बीच में एक दो बार सॉटे करना ताकि नीचे का चिप चिपक ना जाए। मैं यहाँ पर ऐड करूँगी गार्लिक पेस्ट और ये है शिजवान पेपर एर्मा, तो ये ऐड करूँगी, ये दोनों ही ऐड करूँगी सिर्फ। अब इसका ना पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है तो ये आधा तो पक गया और थोड़ा पकाएगा, उसके बाद ऐड करेगा लहसुन। अब मैं ऐड करूंगी यहाँ पर लहसुन पेस्ट को। हमको ना चटनी में अदरक का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता तो अदरक नहीं मिलाएंगे। जिंजर ऑप्शनल है यहाँ पर। अब मैं ऐड करूँगी शिजवान पेपर। अभी फ्लेम को ऑफ करके इधर में हम मिलाएंगे चिली पाउडर, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, तो उसको भी बस रेडी है हमारा चिली शासोलो। अभी इसको कूल डाउन होने के लिए छोड़ देंगे यहाँ पर ठंडा होने के लिए। फाइनल रिजल्ट ये है।